नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। आम आदमी पार्टी आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को एमएसपी पर केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी से पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को बाहर करने के केंद्र की भाजपा सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। राघव चड्ढा ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि कमेटी से पंजाब को बाहर करना न केवल अनुचित है बल्कि संघवाद के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि जिस राज्य ने कृषि कानूनों का विरोध करने का बीड़ा उठाया था और भाजपा सरकार को इस समिति के संगठन के लिए मजबूर किया था, उसी राज्य को इससे बाहर कर दिया। केंद्र सरकार ने एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती सहित अन्य कृषि संबंधित मुद्दों के लिए सोमवार को समिति का गठन किया, लेकिन समिति में पंजाब का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है। इस समिति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीनों काले कृषि बिलों के खिलाफ किसान संघ के विरोध के बाद की थी। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह भाजपा सरकार की किसान विरोधी और पंजाब विरोधी नीतियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि समिति में अधिकांश वैसे लोग शामिल हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के समय कृषि कानूनों का समर्थन किया था। चड्ढा ने कमेटी के सदस्यों का हवाला देते हुए कहा, गुनी प्रकाश, जिन्होंने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ हिंसा के लिए भाजपा के सीएम कट्टर के आह्वान का समर्थन किया था, गुणवत्ता पाटिल, जो इस बात का समर्थन कर रहे थे, पहला गुनी प्रकाश, जिन्होंने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ हिंसा के लिए भाजपा के सीएम खट्टर के आह्वान का समर्थन किया था, दूसरे गुणवंत पाटिल, जो इस बात का समर्थन कर रहे थे कि कैसे कृषि कानून क्रांतिकारी है, जबकि पंजाब के किसानों ने कड़ाके की ठंड को सहन किया और अपना विरोध जारी रखा, तीसरे लातू के एक भाजपा नेता सैयद पाशा पटेल को समिति में शामिल किया जबकि पंजाब को बाहर कर दिया गया। चड्ढा ने कहा, एमएसपी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार की समिति कृषि और किसानों के लिए भाजपा का नजरिया और अदूरदर्शिता का ताजा उदाहरण है। केंद्र सरकार ने जानबूझकर पंजाब को बाहर करके पंजाबियों का अपमान किया है। चड्ढा ने कहा, हरित क्रांति की जन्मभूमि और भारत के खाद्य भंडार के रूप में प्रसिद्ध पंजाब को सरकारी प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं दी गई, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा के नौकरशाहों को इस 26 सदस्यीय समिति में स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसा कर पंजाबियों का अपमान किया है। पंजाब के किसानों ने तीन काले कानूनों नूं वापस कराने लई एक लंबी जंग लड़ी। सरकार ने सानू आश्वासन दिता सी कि एमएसपी दा कानून बनाने लई एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस तो बाद किसानों ने आंदोलन खत्म किया। दुख की गल यह है कि जेड़ी कमेटी अज बनाई गई है उस कमेटी चो पंजाब नूं बाहर रखा गया। फूड बोल ऑफ इंडिया कैलान वाला साडा पंजाब एमएसपी कमेटी तो बाहर रखा गया। सरकार ने एक बार फिर से अपना पंजाब विरोधी चेहरा दिखा दिता है। कमेटी दे विच जेड़े मेंबर्स नूं बंदिया नूं शामिल किया गया है वो जा तो बीजेपी दे मेंबर है जा फिर काले कानूना दे सपोर्टर। क्या एहो जे लोकां तो किसाना दे भले दी उम्मीद कीती जा सकती है? मैं पंजाब दा राज्यसभा मेंबर होण दे नाते अज इस मुद्दे नूं पार्लियामेंट दे विच चक्कन जा रहे हां। नाल दे नाल एक सस्पेंशन नोटिस फाइल किया है ते केंद्र सरकार दे इस फैसले दा विरोध करांगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।